हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अमेजोन एफिलिएट अकाउंट, यानी कि अमेजोन एफिलिएट अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अमेजोन एसोसिएट अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपकी अर्निंग कैसे होगी, सारी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको स्मार्टफोन पर बताने वाला हूँ। आप अगर पीसी या लैपटॉप में यूज करना चाहे तो इससे ही कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, इसलिए मैं स्मार्टफोन में ही आपको बताने वाला हूं स्मार्टफोन से आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को शुरू। तभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके फॉलो कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को शुरू। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर आके क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ पे सर्च बार देखेगा, इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है अमेजोन एफिलिएट साइनअप। साइनअप लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, अमेजोन एफिलिएट साइनअप आपको ज़रूर लिखना है। साइनअप लिखने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है, जैसे कि मैं इसको सर्च कर देता हूँ। जैसे आप सर्च कर देते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएगी। तो आपको जो पहला ही पहला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा पेज आपको लोड होके आता है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर साइनअप का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो साइनअप के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आपको जो अपना अमेजोन अकाउंट है वो लॉगिन करना होगा। अगर नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, तो मेरे पास है, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, यह पेज आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पे ई नेम, तो आपको उसका नाम डालना है जिसका नाम से भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, या आप खुद के नाम से बनाना चाहते हैं तो खुद का डालना है, या फिर अपने किसी पेरेंट के नाम से बनाना चाहते हैं तो उनका डाल देना है। तो मैं खुद का यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको मतलब बैंक अकाउंट में, जिसके बैंक अकाउंट में आप यहाँ से पैसा लोगे, उसका यहाँ पे नेम आपको डालना है, तो उसी के में यहाँ से पैसा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, तो जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल दे रहा है, जो भी है आपका। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टल कोड और स्टेट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको नीचे आना, कंट्री अपने आप सेलेक्ट हो ही जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आपको यहाँ पे जरूर से जरूर अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दो मिल जाते हैं। हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, यानी ये अकाउंट आप खुद के लिए बना रहे हैं या फिर किसी और के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले पे टिक कर देना, जैसे मेरे में पहले पे टिक है। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आपको दूसरे पे टिक कर देना है, तो ये आपको कर देना है। और जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे फॉर US टैक्स परपजेस आर यू ए US पर्सन, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आप US के पर्सन है या फिर नहीं है। तो हम US के पर्सन नहीं है, हम इंडिया के, तो आपको इसको नो कर देना है। तो ये आपको कर देना है। जैसे आप ये सारी चीज़ें कर देते हो, उसके बाद आपको थोड़ा इधर आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद एक अलग पेज यहाँ से ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा एंटर योर वेबसाइट और एंटर योर मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है एंटर योर वेबसाइट, ये आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी जो एक वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल ऐड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डाल सकते हैं, वेबसाइट का डाल सकते हैं, ब्लॉग का डाल सकते हैं। तो आप जिसका चाहे उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक यहाँ पे एक ब्लॉग है, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद लिंक डालने के बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले लिंक में डाल देता हूँ blogspot.com। तो मैं यहाँ से इसको डाल के ऐड कर देता हूँ, ऐड पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद भी आपको क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है नीचे आके। ये थोड़ी लोडिंग लेगा, उसके बाद एक अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसको कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरना है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी, यानी आप अपने हिसाब से स्टोर आईडी क्या रखना चाहते हैं। तो मैं अपना नाम ही यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपके नाम की आईडी अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, और नहीं होगी तो दूसरी कोई आईडी आपको मिल जाएगी।
तो जैसे आप भर देते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे तो वही है वेबसाइट लिस्ट, इसको आपको छोड़ देना है, ये आपने भर चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन है व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स अबाउट, यानी आपने जो भी यूट्यूब चैनल या फिर अपनी वेबसाइट ब्लॉग जो भी ऐड किया है उसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पर लिखें, जो भी आपकी जानकारी है कि आप क्या अपलोड करते हैं तो वो आप थोड़ा सा लिख दें। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कुछ अपने ब्लॉग के बारे में लिख दिया है, इतना ही आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एसोसिएट्स आई थी यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि आपको जगह नहीं छोड़नी है इनके बीच में, आपको बिल्कुल इसको पास पास लिख देना है। तो मैं इनको जगह को इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने काट दिया, अभी सही हो गया। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स। तो आपको यहाँ पे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, मतलब आपकी वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल किस टॉपिक के बारे में। तो पहला मैं टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले टॉपिक में मैं जो भी, अगर आपकी यहाँ पे मिल जाती है आपका टॉपिक, आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ, दूसरे में भी मैं अदर पे क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। आप चाहे तो अगर आपका टॉपिक मिल जाए तो आप टॉपिक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन है व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स, मतलब आप कौन से आइटम्स को सेल करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पे। तो आप दो तीन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से दो तीन कर लेता हूँ, ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं दो तीन आइटम्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने तीन आइटम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स, मतलब आपका वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स, मतलब आपका यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट जो भी आपने ऐड किया है वो किस बारे में, वो ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं तो अदर आपको कर देना है। मैं जैसे अदर कर देता हूँ, अदर करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, तो जैसे आपको कुछ सवाल और पूछे जाएंगे हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कैसे आता है। तो आपको जैसे सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सोशल नेटवर्क ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, और भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे SEO ब्लॉग्स, जो भी आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ये सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको करना क्या है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट्स एंड एप्स टू जनरेट इनकम, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। इस पर क्या आपको सेलेक्ट करना है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, और दूसरे पर आपको सेलेक्ट कर लेना थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अदर ही कर देना है, तो मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ। उसके बाद हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर साइट और एप्स गेट पर मंथ, यानी हर महीने आपकी जो भी आपने ऐड किया है वेबसाइट या यूट्यूब चैनल उस पर कितने विजिटर्स आते हैं हर महीने। तो मैं जैसे यहाँ से पहला ही ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है यहाँ से टू मोनेटाइज माय साइट, ऑब्वियसली आपने मोनेटाइज करने के लिए इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इस पर आपको क्लिक करके कुछ भी सेलेक्ट कर देना जो आप चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना, जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा मिले वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे फिल कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे कैप्चा है इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने कैप्चा फिल कर दिया, कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको एक टिक करना होगा कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, और मैं तो इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने टिक कर दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजोन डॉट इन एसोसिएट्स प्रोग्राम, तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों अभी से पूरा नहीं हुआ है, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो आपकी पेमेंट यानी बैंक अकाउंट की सारी डिटेल आपको ऐड करनी होगी, तभी तो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से पेमेंट भेजी जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, तभी आपके अकाउंट में वो पेमेंट है वो मिलेगी, अगर ना आप नहीं देते तो आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इनको आप कभी भी दे सकते हैं, तो मैं इनको लेटर कर देता हूँ, अभी लेटर कर देता हूँ, आप चाहे तो कभी भी इसको दे सकते हैं, जब भी आप अपनी पेमेंट निकालना चाहे तो।
जैसे ही आप इसको कर देते हो उसके बाद कुछ आपका जो अमेजोन की एसोसिएट्स है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ओपन यहाँ से हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अर्निंग दिखाएगा रोजाना की, लास्ट 30 डेज की दिखा रहा है, आप लास्ट 7 डेज की देख सकते हैं, यस्टरडे की देख सकते हैं, टुडे की देख सकते हैं, और भी चाहे आप लास्ट 1 ईयर की देख सकते हैं। जो भी आपकी अर्निंग होगी वो यहाँ पर दिखाएगा सारी की, आज कितनी हुई, कल कितनी हुई। यहाँ पर आपको क्लिक्स दिखाएगा, टोटल क्लिक्स जो टोटल फीस सारी बताएगा, और नीचे आपको बता रहा रिकमेंडेड, मतलब इनको आप बेच सकते हैं इनका लिंक। और अगर आप चाहे किसी और को बेचना तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक सर्च का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और आप जैसे रेडमी का जो नोट 8 मोबाइल है उसको आप यहाँ से बेचना चाहते हैं तो उसका आप लिंक लेना चाहते हैं तो उसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो कर देते हैं उसके बाद यहाँ से थोड़ी लोडिंग लेगा। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे आ चुके अलग अलग रंग में, आप जो सा बेचना चाहें और उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप पहला है, पहले पे क्या करना है, गेट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। देन गेट लिंक पे जैसे ही क्लिक किया उसके बाद थोड़ी लोडिंग लेगा और अगला पेज यहाँ पे आ जाएगा। अगला पेज आने के बाद नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट HTML, इस पर आपको क्लिक करना है और ये लिंक आ चुका है। इसको आप कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ऐड करना है, सारी चीज़ें आप ऐसे ऐड कर पाएंगे और इनको बेच पाएंगे। तो दोस्तों इस लिंक को आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं, उसका लिंक ले सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।